थोड़े यूट्यूब के मज़े, साथ में है सांबर बड़ा और दिन जा रहा है बहुत बढ़िया। और अभी आराम से बात करते हैं, खाना खा लेता हूँ पहले, तो आराम से थोड़ा बिल्कुल फ्री होके बात करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरी वन, आई होप यू गाइस आर डूइंग। गॉड डैम उड़ गया। क्या कर सकते हैं यार, वैसे ही चाह तो रहा था कि मतलब एक मोमेंट कैप्चर कर लूँ, बट कोई बात नहीं। फिर कब? तो आज धूप अच्छी निकली है, बहुत अच्छी निकली है। और आज यार मतलब एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा यू नो इतना ज़्यादा जैम पैक्ड हूँ, बिल्कुल कुछ भी ऐसा स्लॉट नहीं मिल रहा कि बिल्कुल ही फ्री हो एंड डू समथिंग। बट क्या कर सकते हैं, काम ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑब्वियसली यार यू नो कभी कभार ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि ये जो यूट्यूब होता है ये हमारा सेकेंड प्रायोरिटी बन जाता है, हालांकि हॉबी में फर्स्ट प्रायोरिटी है, बट बाकी सब ये चीज़ें आती हैं, जैसे जॉब्स हो गई, इंटरव्यूज़ हो गया, सेशंस हो गए। अब पता नहीं कहाँ किधर लगेगी, क्या होगा, बट चलो देखा जाएगा जो भी होगा, ये सब भी होता रहेगा जो भी है। तो अभी जस्ट यार देखते हैं, अभी थोड़ा टाइम मिला है तो आज थोड़ा रील बना लेते हैं। और बाय द वे अगर इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो ज़रूर फॉलो करो। तो चलो चलते हैं। ओ भाई साहब, गर्मी, बहुत गर्मी, बंद करना पड़ेगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि रिंग लाइट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि जब भी ये ऐसी रेस छोड़ता है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअली मैं रिंग लाइट एक्चुअली में मेरे फेस पर ही डायरेक्ट पड़ रहा है, जैसे देख ही सकते हो आप लोग। तो बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब पूरा मतलब मेरी शर्ट पूरी भीग गई है, पूरा पसीने से भीग गई है। मैं हालत नहीं दिखाऊंगा, वरना आप लोग भी बोलोगे क्या ग्रॉस चीज़ें दिखा रहा है ये। तो बेटर ही है कि ना ही दिखाऊँ। तो भैया आज शायद दो रील बनाई है, बट एक रील जो मैंने बनाई है उससे मेरे को लग रहा है कि आई थिंक आई शुड मेक अ म्यूज़िक वीडियो पूरा अच्छे से। मतलब तो बता ना, अगर रील अच्छा लगा तो मैं क्या उस पर काम करूँ या ना करूँ। बाकी आप लोगों की राय सुनने के लिए वेट कर रहा हूँ, तो ज़रूर कमेंट करना। बाकी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ही रहे हो तो ज़रूर वहाँ रील पे भी कमेंट कर सकते हो। चलो अभी इसको बंद कर देते हैं, इसका भी टाइम आ गया। चल तो रहा है बट वाईफाई दिखा नहीं रहा है, चल रहा है कि नहीं देखेंगे। लैपटॉप में चक्कर है, लैपटॉप में भी नहीं दिखा रहा कि चल रहा है। क्या है यार, सेशन से पहले पहले ये झंझट, ये क्या कर रहा है यार ये आज वाईफाई। सेशन छूट गया तो अच्छे खासे अटेंडेंस कट जाएगी मेरी। हाँ लेता हूँ। हाँ मुखा ठीक रहा, शाम हो गई भाई, कुछ आज हुआ नहीं। कुछ भी नहीं किया आज। और एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि कल वैसे मतलब वैक्सीनेशन का जो पापा का वैक्सीनेशन होना था, मेरा भी होना था, मेरे को तो मिल नहीं रहा है। और जो पापा का है उसमें मतलब बुक हो गया था, बट फाइनली वहीं से ही मैसेज आ गया कि आपका कैंसिल हो गया है वैक्सीनेशन। अब पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता, बट यस्टरडे आई सॉ सम क्रिएटर्स यू नो हु वेंट देयर एंड हैड वैक्सीनेशन। तो उसमें मतलब ये पता लगा है कि यू नो वहाँ जाके भी यू नो दैट बुकिंग अपॉइंटमेंट डजेंट यू नो दैट मीन्स नथिंग टू यू। अगर वहाँ पहुँच भी जाओगे ये भी दिखा दोगे ना मैसेज में कि मतलब ये मैंने आरोग्य सेतु ऐप से या कोविन .gov.in जो भी है तो उससे मैंने मतलब ये बुक किया है, बट पता नहीं आप लोग क्यों बोल रहे हो, वो नहीं मानेंगे। वहाँ जाके भी आई थिंक यू नीड टू फिल वन फॉर्म एंड टिल द टाइम व्हेन दे कॉल योर नेम
देन ओनली यू विल गेट वैक्सीनेशन, अदरवाइज भैया पूरे दिन रुके ही रहो। मतलब यार, और एक्चुअल में वैक्सीनेशन का देखा जाए, कल भाई कल, मतलब वैसे तो मीडिया में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, बट आई सॉ समवेयर इन द न्यूज़ कि भाई साहब गाज़ियाबाद में मतलब वैक्सीनेशन लग रहा है, उसकी लाइन बहुत लंबी लगी है। तो जस्ट फॉर द एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ इस घर से कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस घर से लेके पूरा 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 वो जो ग्रे वाला घर दिख रहा है ना, वो उस ग्रे वाले घर से भी आगे जाके जो ये येलो वाले जो घर दिख रहे हैं, उतनी लंबी लाइन लगी है। तो मतलब जो बुक करा के भी गए हैं उनके लिए भी मतलब ये डिसएडवांटेज है, और पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। और अभी तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि वैक्सीनेशन ना ही लगवाएं बेटर है, और प्राइवेट हॉस्पिटल से लगवा लें, प्राइवेट हॉस्पिटल से, क्योंकि कम से कम वहाँ पे डेकोरम होगा। ये भी नहीं पता कि वहाँ पे भी डेकोरम होगा या नहीं, बट अभी तो फिलहाल ऐसे सोच रखा है कि कुछ टाइम के लिए छोड़ ही तो लग रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ में यार, मतलब देयर इज़ अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि मतलब हम लोग को भी वायरस, मतलब ये कोविड हो सकता है, बहुत ज़्यादा श्योरिटी है, इतने लोग खड़े हुए हैं, मतलब क्या कहें, बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या, मतलब लोग खड़े हैं कैसे, मतलब वैक्सीन करवा रहे हैं और मतलब नाम लिया जा रहा है तो बुला रहे हैं। ये आरोग्य सेतु का भी कोई मतलब नहीं है यार, मतलब सही है यार। और वैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल के अभी तक भरे पड़े हैं, पता नहीं कहाँ कौन से हॉस्पिटल में जाके वैक्सीनेशन लगवाएं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो टाइम कब आता है तो लगवाते हैं। चलो भाई चाय पीते हैं यार, बहुत देर हो गई। सोच रहा हूँ कि आज कुछ ज़्यादा किया नहीं ब्लॉग, समझ जाना बहुत काम था, जैसे कि मैंने सुबह बोला ही था कि बहुत ज़्यादा काम हो गई। और अभी तो बहुत मतलब हर दिन रहेगा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आज ही था, हर दिन रहेगा। अब तो अब पता नहीं कब फ्री रहूँगा, सही में कहूँ वीडियो सेशन कर करके तंग आ गया हूँ। अगर यही चीज़ अगर जैसे लोकेशन पे जाके करनी होती ना, अब जैसे ये वीडियो सेशन कॉलेज का, अगर मैं कॉलेज जाके करता तो बहुत एक अलग ही फील होती। यहाँ पे बैठ के ऐसा लगता है यार घर पे ही बैठे हो, एक वो होता नहीं है, अब जैसे इतने सारे आ गए नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम वीडियो, जब मूवी चल रही है चलती रह रही है, हम सिर्फ देखते रह रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो वैसे ही काइंड ऑफ लाइक हो रहा है, आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। पानी पीऊँ बहुत ज़्यादा मदद करता है बॉडी को इम्यून रखने में, बहुत आप लोगों को मतलब बहुत लोगों को पता नहीं, बट इट रियली हेल्प्स यू इम्यूनिटी में, क्योंकि अगर बॉडी हाइड्रेट हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बुखार जुकाम के। तो अभी उस वक्त पढ़ना भी नहीं है, अगर पढ़ गए तो भैया हो गया काम आपका। तो अभी जस्ट जा रहा हूँ सोने, बिल्कुल सोने से पहले थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ और रील बनानी है। बाय द वे मैंने अभी 10:30 बज रहे हैं, तो 11 बजे मैं एक और रील डाल दूंगा। और एक्चुअली मैं यही सोच रहा हूँ कि अब हर दिन रील डालता रहूँ, अब आ ही गया है, मतलब रील का हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई अच्छा सा यूज़ निकाल सकते हैं। तो आई थिंक इट्स मच बेटर कि ये ऐसे यूज़ कर ले, तो आई थिंक इसका अच्छा यूज़ निकलेगा। तो अभी जस्ट रील बनाने का सोच रहा हूँ, बनाऊँगा। और वैसे बताओ आप लोग कि रील कैसे हैं, कमेंट करके बताओ कि रील्स आपको कैसी पसंद आ रही हैं, क्योंकि होता क्या है कि व्यूज़ तो ठीक है, व्यूज़ एक अलग चीज़ है, बट अगर एंगेजमेंट ही नहीं होगी, अगर आपको ही नहीं पसंद आएगा और सिर्फ व्यूज़ व्यूज़ देख कर ही मैं खुश होता रहूँगा, तो ऐसा नहीं है। मेरे को ये भी जानना है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि जस्ट फॉर द केस कि अगर मैं कहीं पे गलत हूँ, तो आप लोग हो सही करने के लिए तो बता दो, अगर सही कर सकते हो तो ज़रूर बताओ हम लोग, मेरे को तो ज़रूर बताओ, कमेंट करके बताओ। तो आज के लिए
बस इतना ही रखता हूँ व्लॉग को, तो बुलावा तो आ ही है मम्मी का, तो जाता हूँ सोने। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना सबके साथ, और सब्सक्राइब का बटन पता है आपको किधर दबाना है, इधर है, मैं गाइड कर देता हूँ। और मेक श्योर यू क्लिक दैट नोटिफिकेशन बेल टू, ताकि आप मेरी वीडियो टाइम पे देख पाओ, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके दिमाग में सस्पेंस बना रहे। और फॉर सजेशंस एंड फॉर फीडबैक प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर कमेंट करना, और ज़रूर बताना कैसा लगा आज का व्लॉग, तो ज़रूर बताना कैसा लगा। हालांकि आज कुछ कर ही नहीं पाया, बिल्कुल भी आप व्लॉग नहीं कर पाया, तो समझ ही सकते हो आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम। पापा बाय बोल दो बाहर से ही। हाँ भैया, ये मतलब बिहाइंड द सीन मान लो, एंड तो कर ही दिया कब का, बट बिहाइंड द सीन एक चीज़ समझो, ये शर्ट अभी पहनी थी, और जो जिस शर्ट से मैंने एंड करी है वो कहाँ है, वो एथे। बट एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो लोग इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं ना यार, इंस्टाग्राम वालों को बोलो यार थोड़ा मतलब टाइम एक्सटेंड कर दे, रील का 30 सेकंड से 60 सेकंड का कर दे यार। मतलब क्या है, मतलब 30 सेकंड में क्या ही कर लेगा कोई बंदा, कोई भी रील बनाएगा क्या कर लेगा। बाकी सब देखो, टिकटॉक देखो, टकाटक देखो, सब में 60 सेकंड 60 सेकंड का पूरा अच्छा खासा बना सकते हो, बट 30 सेकंड मेरे को बनाने में दिक्कत हो रही है तभी बोल रहा हूँ। बट बात सही है।